एक्टर्स, हमारी फिल्म इंडस्ट्री यानी कि बॉलीवुड, यहाँ पर इतने महंगे महंगे एक्टर्स हैं जो कि भारतवर्ष के मोस्ट अमीर लोगों की लिस्ट में आते हैं। और इस लिस्ट में सबसे प्रथम नाम आता है किंग ऑफ रोमांस, बादशाह ऑफ बॉलीवुड, पठान ऑफ फिल्म इंडस्ट्री, SRK यानी कि शाहरुख खान साहब का। दोस्तों, शाहरुख खान सिर्फ फिल्मों के ही बादशाह नहीं है, रियल लाइफ में भी उन्होंने बादशाह की जो बादशाहित होती है उसे दिखाया है। कैसे दिखाया है? अपने मन्नत को खड़ा करके? नहीं, उन्होंने जब जब हिंदुस्तान पर आंच आई है, जब जब भारतवर्ष में प्रलय आई है, तबाही आई है, या नेचुरल कोई भी क्लाइमेटी या डिजास्टर हुआ है, शाहरुख खान ने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया है। इन सब चीजों के बावजूद भी उनके ऊपर आरोप लगते रहते हैं, दुश्मन जो उनके हैं या जो भी है नेगेटिविटी फैलाते हैं वो आरोप लगाते हैं कि वो इंडिया की मदद नहीं करते, हमारे हिंदुस्तान की मदद नहीं करते। मैं आपको इस वीडियो में प्रूफ बताऊंगा कि कैसे रियल के बादशाह हैं किंग ऑफ रोमांस शाहरुख खान। स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में, मैं हूं आपका यारों का यार होस्ट राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए RAHULBHOJ राहुल भोज। दोस्तों, ज्यादा नहीं 2020 तक जाता हूं मैं। शाहरुख खान को 2 बार कोरोना हुआ, ये बात हम जानते हैं, राइट? अब ऐसे में आप लोगों को बताना चाहता हूं कि किंग ऑफ रोमांस शाहरुख खान को कोरोना हुआ, लेकिन क्या पता था कि उनको कोरोना होगा जिन्होंने अपनी ही बिल्डिंग को, जी हाँ, गौरी खान जो फिनिशिंग बिजनेस में है, ये पर्दे वर्दे और ये मैट्रेसेस इन सबके होम डेकोर कहते हैं बिछाओं का, तो उसकी बिल्डिंग उन्होंने क्वारंटाइन सेंटर बना दिया था 2020 में। क्या आप जानते हैं ये बात? मैं बताता हूं ना दोस्तों, गौरी खान ने क्वारंटाइन सेंटर बना दिया था अपनी 4 माले की बिल्डिंग है उसको। वहीं साथ ही साथ 70 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया था उन्होंने 7 अलग अलग जगह पर, यानी कि 70 करोड़ लगा लो तो 10-10 करोड़ का उन्होंने चटना बांटा था, देश में धनराशि प्रोवाइड की थी, महाराष्ट्र सरकार को पैसे दिए थे। तो ये है किंग, ये है बादशाह का काम। अगर आप जनता के पैसे पर, मतलब जनता के टिकट लेती है, फिल्म हिट होती है, सुपर हिट होती है, ब्लॉकबस्टर जाती है, लेकिन ये जब रिटर्न की बारी आती है तब शाहरुख साहब करते हैं। अभी उसके बाद दोस्तों आपको मीर फाउंडेशन तो पता ही होगा कैसे एसिड विक्टिम्स जो होती हैं, शाहरुख खान साहब ने उनकी प्लास्टिक सर्जरी के लिए खर्चा दिया है, उनकी सर्जरी करवाई है बकायदा, और एक ऐसा फैशन शो भी ऑर्गेनाइज कराया था अगर आपको याद होगा दोस्तों, जहां पे जो एसिड विक्टिम्स थी वो शो स्टॉपर बनी थी। एंड इससे ज्यादा प्राउड की बात और क्या हो सकती है? कुछ भी नहीं, राइट? 2015 की बात है दोस्तों, आपको बता दूं चेन्नई में फ्लड आई थी, उसके लिए शाहरुख साहब ने 1 करोड़ का डोनेशन दिया था। उत्तराखंड फ्लड जब आई थी, जब बादल फटा था केदारनाथ वाली जो ट्रेजेडी हुई थी दोस्तों, 2013 10 करोड़ रुपए दिए थे उन्होंने उत्तराखंड को मदद के लिए लोगों की, जी हाँ। 2009 में उन्होंने 5 गांव गोद लिए थे और वहां पे इलेक्ट्रिसिटी, 5 गांव की इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा उन्होंने करा था, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की थी दोस्तों। और ये वही है, सेम स्वदेश की तरह ही है। वहीं आपको बता दूं दोस्तों, तो कैंसर पेशेंट्स के लिए उनके दिल पे एक बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है, लीलावती हॉस्पिटल बांद्रा मुंबई में, जो कैंसर हॉस्पिटल है लीलावती का, वहां पर स्पेशल उनका इलाज चलता है दोस्तों शाहरुख खान का खर्चा पे, जी हाँ, क्योंकि उन्होंने पेरेंट्स को इस तरीके से खोया है, तो वो नहीं चाहते कि लोग भी इस तरीके से अपने अपने अपनों को खोए। 2012 में NDTV इवेंट के दौरान 12 गांव को उन्होंने गोद लिया था, जी हाँ। वहीं 2004 में जो सुनामी आई थी, सबसे भयंकर सुनामी, इंडोनेशियन सुनामी कह सकते हैं वो, जो क्रिसमस के अगले दिन आई थी दोस्तों, 25 लाख रिलीफ फंड दिया था उन्होंने उसमें, जो डिजास्टर मैनेजमेंट होती है देश में। तो यहाँ पर ये बात मुझे कहनी है कि वो सिर्फ बादशाह नाम के नहीं है, वो जनता के लिए भी करते हैं। और जो लोग उनकी नेगेटिविटी या जिस तरीके से कहते हैं कि हाँ ये तो दूसरे देशों को जो है पैसे देता है, ये देता है, उसको ये वीडियो दिखाना।